हेलो एवरीवन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। देखिए, द लेटरल एज ऑफ रेगुलर रेक्टेंगुलर पिरामिड। रेगुलर रेक्टेंगुलर पिरामिड का क्या मतलब है? जो उसका बेस है वो एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है, उसकी शेप क्या है? रेक्टेंगुलर, ठीक है। और रेगुलर बोलने से ये पता चल गया वो रेक्टेंगल नहीं, वो स्क्वायर ही है, ठीक है। अगर होता सिर्फ रेक्टेंगुलर पिरामिड तो इसका मतलब रेक्टेंगल है, अगर बोल दिया रेगुलर रेक्टेंगुलर पिरामिड तो वो स्क्वायर है, ठीक, ओके। ए सेंटीमीटर, द लेटरल एज मेक्स एंगल अल्फा विद द प्लेन ऑफ बेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द वॉल्यूम इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। देखिए, इधर देखते हैं, बनाते हैं, ये अपना स्क्वायर हो गया, इसको ड्रॉ कर लो, ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ये एक पिरामिड है, ऑलराइट, ठीक। इसके अब क्या दिया हुआ है? रेगुलर पिरामिड, ए सेंटीमीटर द लेटरल एज, ठीक है, इज ए, ठीक है। लेटरल एज जो है ये वाली, मतलब ये है लेटरल एज, ठीक है, इसकी लेंथ दी गई है ए यूनिट, ए सेंटीमीटर्स, क्लियर, ठीक है। अब मुझे इसके वॉल्यूम, अच्छा ये भी ए है, ये भी ए, ये भी ए, सभी ए हैं। अब ये जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है विद अ प्लेन, तो ये तो स्क्वायर है, इसे मैं ऐसे बना देता हूँ थोड़ा, ठीक। स्क्वायर में मैंने इसे ऐसे ज्वाइन कर दिए इसके डायगोनल्स बेस के, राइट, और ये वाला एंगल बोल दिया अल्फा, ये बेस है, ये वाला एंगल कितना है? अल्फा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला जो कि इसके सेंटर पर आएगा, क्यों ऐसा ही क्यों? क्योंकि ये एक रेगुलर रेक्टेंगुलर पिरामिड है, रेगुलर, रेगुलर मतलब एकदम सिमेट्रिकल, ठीक है, जैसे एकदम जो परपेंडिकुलर आएगा वो सेंटर पे गिरेगा आके, क्लियर है, ऑल राइट। अब देखो ध्यान से, इसे मान लेता हूँ हाइट है h, कितनी हाइट है? h, ठीक है, ओके। देखो अल्फा फिक्स है, हाइट है h, ये लेटरल एज है a, सॉरी अल्फा फिक्स नहीं है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द वॉल्यूम इज ग्रेटेस्ट, अल्फा वेरिएबल है, अल्फा क्या है? वेरिएबल है, ठीक है, ओके। अच्छा वॉल्यूम होता क्या है? सबसे पहले तो वॉल्यूम होता है 1/3 बेस इंटू हाइट, ठीक है बच्चों, बेस इंटू हाइट, बेस है ये, मान लो इसकी लेंथ कितनी मान लूं, एक्स मान लो, चलेगा, तो इसका मतलब ये होना चाहिए 1/3 एक्स स्क्वायर इंटू एच, क्या 1/3 एक्स स्क्वायर इंटू एच। अब एक्स भी वेरिएबल, एच भी वेरिएबल, और एक्चुअल में उन्होंने दिया है वो है अल्फा जो कि वेरिएबल है, और अल्फा की वैल्यू बतानी है जब वॉल्यूम ग्रेटेस्ट हो, क्लियर बच्चों। चलो देखो, अब मैं इसे इसी फॉर्म में चेंज करने जा रहा हूँ, जैसे देखिए ये लेटरल जो लेंथ है, लेटरल एज कि जो लेंथ है वो ए है, तो हाइट कितनी होगी? यू कैन सी ए साइन अल्फा, तो आप देख सकते हैं एच विल बी ए साइन अल्फा, क्लियर है बच्चों। अब ये कितना है? एक्स, ये भी एक्स, सभी एक्स है, साइड साइड्स एक्स लेंथ की है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये ए है, ये अल्फा है, तो ये कितना होगा? ए कॉस अल्फा, और ये कितना होगा? ए कॉस अल्फा, बीच में एंगल 90, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस ए कॉस अल्फा का स्क्वायर, क्लियर है। तो एक्स कितना आ गया? एक्स आ गया रूट टू ए कॉस अल्फा बच्चों, एक्स कितना आ गया? रूट टू ए कॉस अल्फा, अल्फा की फॉर्म में मैंने एक्स को निकाल लिया है, सिमिलरली एच को भी निकाल लिया है, सही है, मैंने बताया था एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है इक्वेशन को। ऑल राइट, द वॉल्यूम इज 1/3, एक्स की जगह रख देंगे रूट ए कॉस अल्फा स्क्वायर, और एच की जगह रख देंगे ए साइन अल्फा, तो ये पूरा लिख लेते हैं 2a² / 3। अब अंदर क्या बचा? कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा, चलो dv/dα निकालते हैं और फिर उसे इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फिर देखेंगे मैक्सिमम मिनिमा निकल जाएगा वहां से, तो इसे डिफ्रेंसिएशन इसका क्या होगा? माइनस ऑफ 2 cos α इंटू साइन अल्फा, ठीक है, और एक साइन अल्फा ऑलरेडी है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा,
जो जिसका डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, पहले इसका किया है सिर्फ, ओके प्लस अब ये एज इट इज, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस, ऑल राइट नो प्रॉब्लम, क्या कॉमन ले लूं, अरे कोस अल्फा कॉमन ले लो, ठीक है कोस अल्फा कॉमन लेके देखो एक बार, तो मैंने क्या किया कोस अल्फा कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा, और ये क्या बचा कोस स्क्वायर अल्फा। अच्छा कोस स्क्वायर को साइन में चेंज कर लो या साइन को कोस में कर लो, मर्जी तुम्हारी, क्लियर है। चलो कोस को साइन में कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ओवरऑल बन जाएगा वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर अल्फा, बच्चों वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर अल्फा, क्लियर है ओके। अब देखो अल्फा जो है उसकी रेंज क्या क्या हो सकती है, अल्फा की रेंज हम निकाल सकते हैं, ठीक है तो जस्ट ऐसे मान लो जीरो से पाई बाई टू, बात खत्म हो गई, सिंपल सी बात है, ठीक है ये लाइन बिल्कुल ऐसे हो जाए तो जीरो और ऐसे हो जाए तो पाई बाई टू, क्लियर है। अब भाई ये जो एक्स है ये तो वेरिएबल है, जब ये नीचे हो जाएगी पाई बाई टू, ठीक है तो समझ जाना मतलब बेस बहुत ही बड़ा करना पड़ेगा आपको ऑब्वियसली उस हिसाब से, ठीक है तो ये तो डिपेंडेंट चीज़ है, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। अल्फा को मैं कह सकता हूँ अल्फा जीरो से पाई बाई टू होगा, क्लियर ओके। अब मैं देखता हूँ जीरो से पाई बाई टू में, जीरो से पाई बाई टू में कौन कौन क्रिटिकल पॉइंट हैं, क्या क्या हैं, क्या नहीं है, ये अभी हम देखने जा रहे हैं, ध्यान से देखना बस। देखो एक तो यहां से आएगा कुछ पर्टिकुलर वैल्यू, ऑल राइट लेट मी थिंक ऑफ इट, एक मिनट रुकिए बस। देख लो कहां पे कहां कहां पे जीरो होगा, एक तो आ गया कॉस अल्फा को जीरो बनाना, तो अल्फा कितना पाई बाई टू, और कहां पे साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो जाए वन बाई थ्री के इक्वल, मतलब साइन अल्फा प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री, क्लियर बच्चों, प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री, नेगेटिव होने का कोई मतलब नहीं है, अल्फा जीरो से पाई बाई टू हमने कंसिडर किया ही है, तो क्या आ गया यहाँ से वन बाई रूट थ्री, कितना वन बाई रूट थ्री, ठीक है ओके। अब देखो अगर एंगल जो अल्फा ऑब्वियसली यहाँ पे चेंज नहीं होगा क्योंकि अल्फा से ज़्यादा नहीं हो सकता है, एंगल जो है अल्फा से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर मैं मान लूँ, ठीक है ओके एक मिनट, लेकिन जा ही नहीं पाएगा ना अल्फा पाई बाई टू, तो मतलब सीधा खड़ा हो जाना होता है, अब ऐसे एजेस हैं अब वो उन सीधी हो जाएं तो क्या मतलब है, क्लियर है, तो पाई बाई टू पे तो कोई मतलब नहीं है, अभी ध्यान से समझिएगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ इस पर देखते हैं, साइन अल्फा वन अपॉन रूट थ्री, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर साइन अल्फा वन अपॉन रूट थ्री से अगर छोटा होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी और बड़ा होगा तो नेगेटिव आएगी, तो मतलब क्या मिल रहा है मैक्सिमा, क्या मिल रहा है मैक्सिमा, क्लियर है बच्चों, तो बिल्कुल मैंने बता दिया कि व्हेन साइन अल्फा इज इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री, अल्फा मतलब साइन इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री, आंसर आ गया मेरा, अल्फा कितना साइन इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री, जब होगा तब वैल्यू क्या आएगी यू नो वेरी वेल, मैक्सिमम मिलेगा वहां पे, ठीक है तो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम मिल जाएगा, ऑल राइट तो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम के लिए हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ये मेरा आंसर होगा, सिंपल है बस, पहले फिगर बनाओ देन एक वेरिएबल में करो देन डेरिवेटिव ले लो और फिर देख लो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं, तो जीरो से पाई बाई टू जीरो नहीं हो सकता, पाई बाई टू नहीं हो सकता ऑब्वियसली, समझ गए क्या, जीरो नहीं हो सकता पाई बाई टू नहीं हो सकता, तो कॉस अल्फा तो जीरो से पाई बाई टू में पॉजिटिव होता है, इसे इग्नोर कर सकते हो आप। अब सिर्फ ये रह गए थे, इसमें से दो क्रिटिकल पॉइंट आए प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री, माइनस वाले को मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है प्लस वाले को मैंने कंसिडर कर लिया और मैंने उस पर इवेल्युएट किया कि भाई क्या हो रहा है, ऑल राइट तो मैंने देखा कि यार ये तो प्लस से माइनस की ओर चेंज हो रहा है, तो प्लस से माइनस चेंज हो रहा है तो बढ़िया, क्या दिक्कत है, प्लस से माइनस चेंज हो रहा है तो मैक्सिमा है, तो साइन अल्फा इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री जब होगा, वन अपॉन रूट थ्री जब होगा तब वॉल्यूम ग्रेटेस्ट होगा इस रेगुलर रेक्टेंगुलर पिरामिड का, ऑल राइट तो यही पूछा गया था, ठीक है अभी और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप जल्दी से इसको कॉपी कीजिए।
ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। देखिए, इफ डी इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स देन डी टू द पावर 6 इज व्हाट। ठीक है, ये दो कर्व दिए गए हैं, इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस पे बात करनी है। सिंपल सी बात ये है, तो सबसे पहले तो ड्रॉ कर लेना चाहिए, सबसे बेस्ट होता है। ऑलराइट, ये हो गया, ये e की पावर x, ये ln x। ठीक है, अब इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस हमें बतानी है, तो सबसे बेटर वे, देखो ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी डिस्कस की है कि ये एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है। बात सही है या नहीं, है कि नहीं? रिफ्लेक्शन सही है, ये एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है, मतलब y इक्वल टू x के अबाउट रिफ्लेक्शन है। इसका मतलब, बात को समझिएगा, इसका मतलब जो नॉर्मल, एक कॉमन नॉर्मल निकालेंगे हम, ऑब्वियसली कॉमन नॉर्मल के ऊपर रहता है या नहीं। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस अलोंग द कॉमन नॉर्मल, याद आ रहा है? ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ जो कॉमन नॉर्मल होगी, जो इस कर्व की और इस कर्व दोनों की एक नॉर्मल होगी, जो कॉमन नॉर्मल होगी, उसका स्लोप होगा -1, होगा या नहीं? इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है। ऑलराइट बच्चों, ये कॉमन नॉर्मल है जिसका स्लोप कितना आ जाएगा? -1। क्लियर है? तो मुझे पता चल गया यार, स्लोप तो -1 है। तो सिंपल सा मैंने क्या किया, वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर एक्स एट एक्स इक्वल टू वन, नहीं सॉरी, एक्स इक्वल टू वन थोड़ा ही, दिस शुड बी इक्वल टू -1। वाट, दिस शुड बी इक्वल टू -1। तो मैंने कहा लो, फिर लॉग अप्लाई कर दिया। एक मिनट, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, स्लोप इज -1 विच इज नॉट पॉसिबल। आर यू गेटिंग मी? विच इज नॉट पॉसिबल। इसका स्लोप 1 है और इस लाइन का स्लोप -1 है, लेकिन यहाँ तो स्लोप -1 हो ही नहीं सकता, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया। किसका? लेकिन टेंजेंट का, नॉर्मल का तो हो सकता है, क्या कह रहा हूँ मैं। ठीक है, टेंजेंट का स्लोप ये है, तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा? 1/dy/dx। मैं टेंजेंट से कंपेयर कर रहा था, 1/e^x, दिस शुड बी -1, राइट? स्लोप ऑफ नॉर्मल होना चाहिए ना -1, तो ये है स्लोप ऑफ नॉर्मल, माइनस से माइनस गया, e की पावर x इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों? x मतलब 0, मतलब ये वाला पॉइंट है एक्चुअल में। तो अच्छा, x अगर 0 है तो y कितना हो जाएगा? यहाँ पे पुट कर दो 1, तो मेरे पास आ गया 0.1। तो जो नॉर्मल 0.1 पे ड्रॉ की जाएगी उसका स्लोप होगा -1। क्लियर? सिमिलरली अगर यहाँ पे 0.1 पे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 1.0 पे निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी चाहते हो तो देखो, 1/ln x, तो dy/dx कितना आएगा? 1/x। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो -1/dy/dx कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ x, दैट शुड बी -1। इसका मतलब x कितना? 1। x को 1 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा? 0। तो 1.0 निकालने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि रिफ्लेक्शन है, तो ये 0.1 है, तो वो 1.0 होगा। इन दोनों के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, मतलब जो डिस्टेंस होगी वही मिनिमम होगी, दैट इज √2। यही है अपना d, √2। और d टू द पावर 6 मतलब 2 to the power 3, दैट इज 8। 8 आंसर आ जाएगा बच्चों। क्लियर है? ईजी, बस ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, ओके, ये तो बात थी, चलो ऐसे हमने देख लिया। ठीक है, अभी दूसरे तरीके से हम देखते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मान लो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाए, चलो उसे हम करेंगे, पहले इसको आप उतार लो जल्दी से। देखो बच्चों, अब क्या है, मैं कह रहा हूँ मान लो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाए कि एक दूसरे का इन्वर्स है और इसका रिफ्लेक्शन इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट होगा। ठीक है, तो आप नॉर्मल, जो कॉमन नॉर्मल होगी उसका स्लोप -1 होना चाहिए। उसका स्लोप क्या होना चाहिए? -1, क्योंकि इस लाइन का स्लोप क्या है? 1, इसके परपेंडिकुलर होगी। रिफ्लेक्शन में हमेशा ऐसे ही होगा, ये बात ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, जब भी आप ऑब्जर्व करें दो कर्व जिनके बीच की डिस्टेंस पूछी गई है, दो कर्व के, तो सबसे पहला चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए, कहीं ये एक दूसरे के रिफ्लेक्शन तो नहीं है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकते हैं, और एकदम से अगर आ गया ऐसा, तो समझ जाना उसकी जो कॉमन नॉर्मल होगी उसका स्लोप होगा -1। तो अलग अलग किसी एक को सॉल्व करना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या फुट ऑफ नॉर्मल कहते हैं जिसे, वो निकाल लेना। कैसे? dy/dx, तो फिर देन -1/dy/dx को इक्वेट कर देना उस -1 से। ठीक है, -1 से इक्वेट कर दोगे
तो वहां से x की वैल्यू निकाल लोगे, x की वैल्यू से y की वैल्यू निकाल लेना कर्व में पुट करके, ठीक है। अब जैसे कोई पॉइंट आ गया a कोमा b, तो दूसरे कर्व के लिए वो पॉइंट होगा b कोमा a, क्योंकि वो एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही आपकी मिनिमम डिस्टेंस होगी, क्लियर। अब दूसरा तरीका मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे दिमाग में मान लेते हैं ये कुछ नहीं आया रिफ्लेक्शन वाली बात, तो मुझे कैसे करना चाहिए। तो देखिए मैं ऐसे कह रहा हूँ, देखो ध्यान से कि ये कॉमन नॉर्मल है। अच्छा, जिस पॉइंट पे कॉमन नॉर्मल होगी उस पॉइंट पे पैरेलल टेंजेंट्स होंगी, तो मैं टेंजेंट्स का स्लोप भी इक्वेट कर सकता हूँ। बात सेम ही है, वैसे मैंने जो तुम्हें बताया कि नॉर्मल का स्लोप इक्वेट करना होता है, क्या नॉर्मल का स्लोप इक्वेट करना होता है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ठीक है जैसा तुम्हें सही लगे, नॉर्मल को इक्वेट कर लो या वैसे कर लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। टेंजेंट को भी इक्वेट कर सकते हो, टेंजेंट के स्लोप को, तो सेम ही चीज़ है, क्योंकि ये नॉर्मल कॉमन है इसका स्लोप, तो इस इन दोनों लाइंस का भी स्लोप सेम है, तो आप डी वाई बाई डी एक्स को भी इक्वल रख सकते हो ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। तो मर्जी है, वो दोनों चीज़ें सेम ही है, वैसे जैसे सिखाया है ऐसे कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो y इक्वल टू e की पावर x, तो dy वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट e की पावर x, y इक्वल टू एल एन एक्स देन dy वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट 1 बाई एक्स, क्लियर है। ओके अब ये देखो किसी एक पॉइंट पे ये चीज़ें सेम है, अब इस पे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ले लो, या तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लाइक e की पावर t कोमा t, इस पे ले लिया मैंने e की पावर t कोमा t, और इस पे ले लिया ये t1 है, इसे ले लो t2 कोमा e t2, क्लियर। अब इस पे dy by dx at x equal to t2 पे क्या हो जाएगा, e t2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे dy by dx किस पे, x इक्वल टू ई टी वन पे, तो वन अपॉन ई टी वन ये आ जाएगा बच्चों, क्लियर है। तो मेरी बात ध्यान से देखें कि कुछ लोग यहाँ पे भी टी ले लेते हैं, यहाँ पे भी टी ले लेते हैं, जबकि दोनों अलग अलग कर रहे हैं, पैरामीटर्स भी आपको डिफरेंट लेने पड़ेंगे बच्चों, क्लियर। ओके, तो मैंने कहा यार ये दोनों सेम होने चाहिए, तो मैंने कहा लो ई टी टू इन टू, सॉरी ऐसे दिखा देता हूँ, वन अपॉन ई टी वन इक्वल टू, सॉरी मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, साफ सी बात ये। मैंने कहा ना डी वाई बाई डी एक्स को भी इक्वेट कर सकते हो, माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स को भी इक्वेट कर सकते हो, बात दोनों सेम ही है, ये तुम्हें समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कहा ई टी वन इन टू ई टी टू इज इक्वल टू वन, इसे मैं लिख सकता हूँ ई टू द पावर, सॉरी ई टू द पावर बस टी वन टी टू दैट इज इक्वल टू वन। तो यहां से पता चल गया बच्चों t1 प्लस t2 जो होगा वो जीरो होगा, समझ आया ये, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात हम क्या कर सकते हैं, दूसरी बात हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाला केस, ठीक है। मतलब जैसे ये पॉइंट है a और b, तो स्लोप ऑफ ab, m ऑफ ab क्या होगा, वहां से निकालो t1 माइनस ई टी टू अपॉन ई टी वन माइनस टी टू, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, और दैट शुड बी व्हाट, इन दोनों में से ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, तो ये टेंजेंट का स्लोप है जैसे, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, 1 अपॉन ई टी टू होगा कि नहीं, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कहीं जाके मुझे आंसर मिल सकता है, ठीक है। तो कैसे करें, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, टी वन ई टी टू, क्या टी वन ई टी टू माइनस ई टू टी टू, और इसको इधर किया तो आएगा टी टू माइनस ई टी वन, क्लियर, ठीक है। ओके, अब इन इक्वेशंस को यूज़ करना है, जैसे t2 जहाँ पे भी है वहाँ पे मैं माइनस ऑफ t1 पुट कर रहा हूँ इस इक्वेशन का यूज़ करके। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, ये तो t1 हो गया, ये हो गया माइनस ऑफ t1,
और ये भी हो गया माइनस ऑफ टी वन, और ये हो गया टी वन, ये हो गया ई टी वन. ऑल गुड, ठीक है. चलिए अब देखते हैं क्या किया जा सकता है, क्या कुछ किया जा सकता है. यहाँ ई टी टू था ना, तो ये माइनस हो जाएगा. अब अगर यहाँ से टी वन कैलकुलेट हो जाए तो मज़ा आ जाए. टी वन कैसे कर रहे हैं कैलकुलेट, तो मैं देख पा रहा हूँ जो वो ये कि टी वन अगर ज़ीरो हो जाए, टी वन का ज़ीरो होना मतलब वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो होना, बिल्कुल बात वही आ रही है. इसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और वैसे भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा इसको नीचे ले आओ तब जाके. लेकिन जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि टी वन अगर ज़ीरो हो जाए तो पूरी इक्वेशन इक्वेट हो जाएगी. ये ज़ीरो हो गया, ये कितना बनेगा माइनस वन, ये ज़ीरो और ये कितना माइनस वन, तो माइनस वन माइनस वन. तो यहाँ से पता चल रहा है बच्चों कि जो टी वन आना चाहिए वो ज़ीरो आना चाहिए. लेकिन इसमें दिक्कत एक है, अगर टी वन ज़ीरो है तो टी टू भी ज़ीरो होना चाहिए फिर तो, सही है, विच इज़ नॉट पॉसिबल. नहीं नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है. तो T1 अगर 0 है तो इससे पता चलता है T2 भी 0 होना चाहिए. अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आ जाएंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट T1 0 मतलब वहां पे पुट कर दो e की पावर 0 कोमा 0, और T2 0 मतलब यहां पे पुट कर दो 0 कोमा e की पावर 0 मतलब 1 कोमा 0 एंड 0 कोमा 1, इनके बीच की डिस्टेंस रूट 2. अगेन ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है. तो दो तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है, दो कर्व के बीच के डिस्टेंस निकालना कैसे पॉसिबल होता है. क्लियर है? तो इन जो भी चीज़ें मैंने बताई है यहाँ पे, इसकी हेल्प से आप थोड़ा सा इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाएं और पॉइंट को लेट करने की आदत बनाएं, ठीक है. और दूसरी बात, गलती क्या होती है कि यहाँ पे टी वन की जगह टी टू, सॉरी दोनों में टी टी ले लेते हैं, हमें आदत होती है टी कोमा ई की पावर टी, ऐसे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लेट करने की, ठीक है. अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ये कहाँ से आ गया, लेकिन आपके दिमाग में, तो मैं यार इजी बनाने के लिए, मुझे पता है इसके बेस में ई है, तो मैंने एक्स को ना ई की पावर टी वन रखा अपने दिमाग में, फिर देखा मैंने यार टी वन आ जाएगा तो वाई को टी वन बोल दिया. तो ये तो आपको अपने आप आनी चाहिए, या एंटीलॉग से कर लो, ठीक है. तो ये चीज़ तो आपके दिमाग में अपने आप आनी चाहिए. ओके चलिए जल्दी से इसे कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से. देखिए इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन दिस, ठीक है, एंड वेरिएबल पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस टू ओरिजिन ओ मीट द कर्व एट पी एंड क्यू. मतलब एक ये जो कर्व है ओरिजिन से, उस पर दो लाइंस खींची जाती हैं, ठीक है, और जो कर्व को पी और क्यू पे मिलती हैं, मतलब टेंजेंट नहीं है. अधिकतर हमारे दिमाग में ऐसे आता है, अच्छा ओरिजिन से लाइन खींची गई है मतलब टेंजेंट है, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला उसने. अ वेरिएबल पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, बस उनके बीच का एंगल 90 है. थ्रू ओरिजिन मीट द कर्व एट पी एंड क्यू, या आप ऐसा मान सकते हो कि एक कर्व है जो उसके ऊपर दो पॉइंट है पी और क्यू, अगर पी और क्यू को ओरिजिन से मिला दें तो उनके बीच का एंगल 90 है, ठीक है, या पी क्यू जो कोर्ड है वो ओरिजिन पे 90 एंगल सबटेंड करती है, ऐसे भी समझ सकते हो. PQ, if the locus of point of intersection of tangents at P and Q is this, then A and B. भाई अब P और Q पे अगर tangent draw की जाए तो उनका जो point of intersection होगा, right? उसका हमें locus बताना है, ठीक है. तो देखते हैं, चलिए. I don't know how this curve is, लेकिन मैं इसे देख सकता हूँ कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ T की power ये और T is nothing but ये, दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि x क्यूब एंड y स्क्वायर, ऐसे कुछ, ठीक है. ये इस टाइप का कर्व है बच्चों, ठीक है, ये फंक्शन तो नहीं है क्योंकि y की इवन पावर है, फंक्शन तो नहीं होगा. ओके एक्स क्यूब इक्वल टू वाई स्क्वायर, कुछ ऐसा है ये कर्व, इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऐसे लिए गए हैं. अब ये आई डोंट नो हाउ दिस कर्व इज, बट जैसा भी हो आई डोंट केयर, लेकिन मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जैसे मान लो ऐसा है, ऑब्वियसली जैसे कि आप देख पा रहे हो ये पॉसिबल नहीं है जो मैंने अभी लिख दिया यहाँ पे, बना दिया,
तो चलो ऐसे दिखा देता हूँ तुम्हें कि कर्व ऐसे है कुछ, ठीक। तो एक पॉइंट है ये पी, पी पॉइंट है, और ये मान लिया मैंने क्यू है। तो पी और क्यू पॉइंट हो गए, उनके बीच का एंगल कितना आ रहा है 90, ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 90 डिग्री, सही बात है। ये जो कोड है पी क्यू को मिलाने वाली जो कोड होगी वो ओरिजिन पे कितना एंगल सबटेंड कर रही होगी 90 डिग्री, क्लियर है बच्चों, ठीक है, ओके। तो अब इन पॉइंट्स को लेट कर लेते हैं, चलो पॉइंट विल बी टी वन स्क्वायर कॉमा टी वन क्यूब, इसको लेट कर लो टी टू स्क्वायर कॉमा टी टू क्यूब, ऑल राइट, ठीक है। अब ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि इसका स्लोप और इसका स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस वन होगा, मतलब वहाँ से मुझे टी वन और टी टू में एक रिलेशन मिल गया है। और ओरिजिन से पास होने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है, वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स मतलब टी टू, इसमें क्या होगा टी वन, तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है टी वन टी टू बच्चों माइनस वन होगा, होगा कि नहीं, टी वन टी टू कितना माइनस वन, पैराबोला में आता है फोकल कोड के एंड पॉइंट टी वन टी टू इक्वल टू माइनस वन, लेकिन ये पैराबोला नहीं है, उसे वहाँ से रिलेट मत करें, वैसे ही जस्ट याद आ गया तो बता दिया, क्लियर है, ओके। चलिए यहाँ पे एक मुझे रिलेशन मिल गया है, और अब मुझे क्या करना है, मीट पी क्यू इफ द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, ओके। अब क्यू पे टेंजेंट खींचनी है मान लो ऐसे, और पी पे भी टेंजेंट खींचनी है ऐसे है, और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है एच कोमा के, बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, एच कोमा के, ठीक है, इसका लोकस हमें बताना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले स्लोप निकाला क्यू पे, तो एम क्यू, एम क्यू क्या होगा टेंजेंट का स्लोप एट क्यू, तो वो निकालोगे आप डी वाई बाई डी एक्स से, यहां से, क्लियर है, टू फाइंड एम क्यू। मैंने क्या किया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब था, तो टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स बचो आ गया थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन टू वाई। चलिए ये पुट करते हैं जल्दी से, ये वाला पॉइंट क्यू पे निकाल रहे हैं ना, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपको पुट करने पड़ेंगे यहाँ पे, और ये आ जाएगा टी टू की पावर फोर अपॉन टू टी टू क्यूब, दैट इज थ्री बाई टू टी टू, क्लियर बच्चों, थ्री बाई टू टी टू, ओके। सिमिलरली अब हम निकालेंगे एम पी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, राइट। तो सिमिलरली डी वाई बाई डी एक्स तो सेम ही आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन टू वाई, और इस बार टी वन डलेगा तो थ्री बाई टू टी वन आ जाएगा, क्या थ्री बाई टू टी वन, भाई पॉइंट तो दोनों सेम ही टाइप के है ना, और कर्व भी सेम ही है, बस टी वन की जगह टी टू आना है, वो आ गया, ऑल राइट, ठीक है। चलिए अब क्या कहा है उसने, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एच कोमा के, एच कोमा के का लोकस निकालना है, ओके नो प्रॉब्लम। अब सोचने की बात है थोड़ी सी, सोच लेते हैं। देखो एक तो तरीका ये है कि मैं लाइन की इक्वेशन लिख लूँ, ठीक है, और दूसरा मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ क्या करना चाहिए। लेट मी थिंक ऑफ इट, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स में मतलब वो तो मिल गई है मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ ये मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, उसका लोकस फिर निकालेंगे हम। तो अभी तो जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई जो लाइन की इक्वेशन है वही रखो और एच कोमा के उसमें सेटिस्फाई करवाओ, तब वहाँ से फिर टी वन टी टू को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा और कुछ आंसर आएगा। उसके अलावा अगर किसी के कोई दिमाग में आ रहा हो तो वो उस हिसाब से भी कर सकते हैं, अभी फिलहाल मेरे दिमाग में तो यही हो रहा है क्लिक, तो मैं ऐसे ही करने जा रहा हूँ, टेंजेंट की इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। देखो y माइनस टी टू क्यूब थ्री बाई टू टी टू एक्स माइनस टी वन स्क्वायर, क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये आ गया दूसरी, y माइनस टी वन क्यूब थ्री बाई टू टी वन और x माइनस टी वन टी वन, ये टी टू आएगा, ये आएगा टी वन स्क्वायर, क्लियर है, ओके।
अब देखो एच कोमा के इसको सेटिस्फाई करेगा इन दोनों लाइनों को, तो यहाँ पे मैं के डाल सकता हूँ, यहाँ पर एच, सिमिलरली यहाँ पर के एंड यहाँ पर एच, ओके यहाँ पे टी टू और ये टी वन, ठीक है ठीक है। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इस इक्वेशन को कर लेते हैं, ये तो उसके जैसी आ जाएगी। तो जैसे ये है k माइनस टी वन, सॉरी टी टू, टी टू क्यूब, इसको अंदर अंदर करूं क्या, हाँ कर दे, अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3 बाई टू टी टू एच एंड माइनस 3 बाई टू टी टू क्यूब, क्लियर। अब इसको इधर लिया हूँ अगर मैं, या 2 से मल्टीप्लाई करूं क्या, चलेगा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, इसे सॉल्व कर रहा हूँ अभी, 2k माइनस 2 टाइम्स ऑफ टी टू क्यूब इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 2 टी एच, टी टू एच सॉरी, एंड 3 टी टू क्यूब, ऐसा ही है कुछ अभी तक, 2 से मल्टीप्लाई किया है पूरी इक्वेशन को मैंने, राइट। तो 2k और ये आ गया अपना, ये आ गया 3 टी टू एच और ये आ गया ये, क्लियर है। अगर मैं इसे ऐसे लिया हूँ 2k माइनस 3 टी टू एच, ऑल राइट, और ये आ गया माइनस ऑफ, ठीक है माइनस ऑफ टी टू क्यूब, माइनस ऑफ टी टू क्यूब, ठीक है। सिमिलरली ध्यान से देखिएगा 2k माइनस 3 टी वन एच माइनस ऑफ टी वन क्यूब, माइनस ऑफ टी वन क्यूब, बच्चों समझ आ रहा है, ओके ओके। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसका एक रूट टी वन है और एक रूट टी टू है, इससे कोई फायदा होगा क्या, देखता हूं मैं। ये एक ऐसी इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 3 एच एक्स प्लस 2k इक्वल टू जीरो, इसको इधर लिया हूं अगर, तो टी टू की जगह एक्स रख दिया मैंने। अब ये क्यूबिक इक्वेशन के दो रूट क्या है, टी वन टी टू, ठीक है दो रूट टी वन टी टू है। अब थर्ड रूट की दिक्कत है सारी, दो रूट तो टी वन टी टू है, थर्ड वाले में क्या करें, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि अभी मुझे इसके बारे में कुछ चीजें पता है, जैसे टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री, इसका एक थर्ड रूट होगा, उसे मैंने टी थ्री मान लिया तो जीरो आएगा, क्लियर है। लेकिन टी थ्री का कुछ हो नहीं रहा है, अच्छा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना आप, ये तो अच्छा है। जैसे मैंने इन दोनों को ऑब्जर्व किया तो मुझे पता चला यार इक्वेशंस तो सेम है, बस टी वन की जगह टी टू लिखा है ऊपर, तो मैंने क्या किया एक क्यूबिक बना ली जिसमें टी टू को या टी वन को किसी भी एक को एक्स पुट कर दिया, और मैंने कहा इस इक्वेशन के दो रूट हैं टी वन एंड टी टू। बात को समझना है, तरीके ही आपको लर्न करने हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये अपने आप दिमाग में आने चाहिए जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। मुझे पता चल गया इसके दो रूट हैं टी वन टी टू, तो मैंने निकाला क्या प्रोडक्ट, ये चीज़ हमने पढ़ी है पैराबोला में, मैंने क्या निकाला प्रोडक्ट, याद है पैराबोला में नॉर्मल में जब वर्क किया हमने तो वहाँ पर हमने पढ़ा है वाई एम में क्यूबिक बनती है, और वहाँ पर एम वन और एम टू किन्हीं दो में अगर रिलेशन मिल जाए तो तीसरे को निकाल के वापस से इक्वेशन में पुट करते हैं, वही काम मैं यहाँ पे करूँगा, अभी समझ आ जाएगा। टी वन टी टू टी थ्री विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ टू के बाई वन, क्या माइनस ऑफ टू के बाई वन, एंड वी नो वेरी वेल टी वन टी टू इज माइनस वन, टी वन टी टू इज माइनस वन, हैंस टी थ्री विल बी टू के, टी थ्री क्या होगा 2k, और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा मतलब यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 2k प्लस 2k, ठीक है एक 2k तो कॉमन आ गया हर एक में से, तो यहाँ पे बच गया 4k स्क्वायर और ये गायब हो गया 3h और ये प्लस 1 इक्वल टू जीरो, बच्चों ये आ गया 4y स्क्वायर माइनस 3 या इक्वल टू 3x माइनस 1, ये एक पैराबोला है, तो लोकस क्या आ गया एक पैराबोला आ गया, काफ़ी चीज़ सीखने को मिली, ठीक है। एक तो ये कि भाई पहले पॉइंट लेट करना T1 T2, ठीक है, दूसरा फिर स्लोप निकालना है भाई हमें,
फिर इक्वेशन ड्रॉ की, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी इसमें कि दोनों इक्वेशन बिल्कुल एक जैसी थी, तो मैंने दिमाग लगाया और क्यूबिक बना दी जिसके दो रूट T1 T2 हैं, तीसरा रूट T3 होगा, मैंने लेट कर लिया। और T1 T2 के बीच में रिलेशन पता था, तो T1 T2 T3 मैंने निकाला और T3 की वैल्यू वापस से इक्वेशन में पुट कर दी और एक रिलेशन आ गया H और K में, वही मेरा आंसर है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, तो इसे बिल्कुल ध्यान से करें एंड कॉपी इट।